तो दोस्तों कोई भी आपने प्रॉपर्टी बेची है और उस प्रॉपर्टी को बेचने पर आपको कोई कैपिटल गेन होता है, कोई प्रॉफिट आपको हुआ है। अब आपको पता है कि जो कैपिटल गेन हुआ है, जो प्रॉफिट हुआ है, उस पर आपको इनकम टैक्स लगेगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों आपको बताने जा रहा हूं, डिटेल में समझाऊंगा तीन ऐसे तरीके जिससे आप अपना इनकम टैक्स सारा का सारा माफ करवा सकते हो, एग्जेम्प्ट हो सकता है पूरा का पूरा इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से। वो तीन तरीके पूरे डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप कोई भी प्रॉपर्टी बेच रहे हो, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, लैंड हो या बिल्डिंग हो, तो उसको बेचने से आपको जो कैपिटल गेन होगा उसको हम टैक्स फ्री करवा सकते हैं। तो जैसे आपसे हमेशा कहता हूं कि वीडियो को आप पूरा देखें और स्किप ना करें। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों चैनल पर नए हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगे नीचे लाल बटन को दबाएं, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि कोई नई वीडियो आए तो आपसे मिस ना हो। और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, क्लिक करके ज्वाइन जरूर कर ले क्योंकि वहां पे भी आपको मिलती रहेंगी अपडेट्स फाइनेंस और टैक्सेशन की। तो दोस्तों मान लेते हैं कि आपने एक प्रॉपर्टी जो थी खरीदी थी 10 साल पहले और वो आपने आज की डेट में 2023 में वो प्रॉपर्टी आपने बेच दी है, मान लेते हैं 1 करोड़ रुपए की। अब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आपने बेची यानी कि उसकी जो सेल वैल्यू कितनी हुई 1 करोड़ रुपए की, और जो उसकी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकली मान लेते हैं कि वो 20 लाख रुपए की, तो आपको यहां पे 80 लाख का जो प्रॉफिट हुआ उस प्रॉपर्टी को बेचने पे, उस 80 लाख पे दोस्तों जो टैक्स लगेगा वो पता कौन सा होगा, वो होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20%, यानी कि 80 लाख के ऊपर 20% टैक्स, आप समझ सकते हैं कितना अमाउंट बनता है। तो उस पूरे टैक्स को आज कैसे आप जो है एग्जेम्प्ट करा सकते हैं, कैसे उससे आपको आप छुटकारा पा सकते हैं, यानी कि आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, अगर आप इन तीनों सेक्शन में से किसी एक सेक्शन में भी फॉलो करना चाहते हैं, मतलब आप किसी को भी एक सेक्शन में आप अगर यूज करना चाहते हैं तो उसके बेसिस पे आपका सारा टैक्स बच जाएगा। तो जैसे मैंने बताया कि आपको 80 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो उसके ऊपर जो टैक्स आपको लग रहा है अब उसको टैक्स फ्री करने का तरीका क्या है, सर जल्दी से बता दो। अगर सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 54 की। देखिए फिर सेक्शन 54 कहता है कि आपको इंडिविजुअल हो कोई HUF हो तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हो, यानी कि LLP हो, कंपनी हो, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, NGO ट्रस्ट हो, तो वो सब इसका सेक्शन 54 की जो एग्जम्पशन का बेनिफिट है वो नहीं ले सकते, पहली बात तो ये कहता है। दूसरी कंडीशन यहाँ पे दोस्तों कहता है कि आपने कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची है, यानी कि आपका कोई रेजिडेंशियल हाउस था जिसमें आप रहते हो, या आपके पास था वो, या फिर आपको रेजिडेंशियल फ्लैट था आपके पास, कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी यहाँ पे अगर मैं नाम दूं उसको, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आपके पास थी। तीसरी बात यहाँ पे दोस्तों क्या है कि वो आपके पास थी और आपने जो सेल करी है वो 2 साल के बाद, यानी कि 24 महीने के बाद आपने वो प्रॉपर्टी सेल करी है, क्योंकि तभी जब वो 24 महीने के बाद उसको आप बेचेंगे तो वो आपका हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अगर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को बेचने पर, यानी जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आपने बेची उस पर आपको, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, मतलब कितने का आपको प्रॉफिट हुआ, कैपिटल गेन कितने का हुआ, 80 लाख रुपए का आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। अब उस पर टैक्स भी लगेगा 20% के हिसाब से। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको कोई भी जो आपका जो कैपिटल गेन आया 80 लाख रुपए का, वो 80 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट कर देना है एक नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में, यानी कि आपको एक नया घर खरीद लेना है या फिर नया कोई फ्लैट खरीद लेना है, यानी कि आपको नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा कैपिटल गेन का अमाउंट 80 लाख रुपए। दोस्तों ध्यान से समझना बारीकी से, क्योंकि टेक्निकल चीजें हैं, कई लोगों का यहाँ पे कंफ्यूजन थी कि सर मैंने तो 1 करोड़ का जो अपना घर बेचा 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने, नहीं 1 करोड़ नहीं करने, आपको जितना कैपिटल गेन हुआ है 1 करोड़ माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हम लगा लेते हैं, मान लो टोटल 20 लाख रुपए हो गया, तो 80 लाख रुपए का आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, तो 80 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट करने हैं कोई भी नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने पे, ठीक है जी। अब लेकिन यहां पे दोस्तों कितने टाइम लिमिट दे रखा है, कितने टाइम के अंदर वो खरीदना है आपको, जिस दिन आपने वो प्रॉपर्टी बेची है, जिस दिन आपने वो घर बेचा अपना, उसको बेचने के 1 साल पहले आपने कोई घर ले लिया है तो उसका भी बेनिफिट आप इसमें ले सकते हो, बेचा उसके 2 साल के अंदर आप कोई नया घर खरीद लो, ठीक है, या जिस दिन आपने बेचा उसके 3 साल के अंदर आप कोई लैंड लेके, जमीन लेके उसके ऊपर घर बना सकते हो, यानी कि कंस्ट्रक्शन अगर आपको करनी है तो 3 साल का टाइम है। वैसे यहां पे जो टाइम लिमिट है खरीदने की वो 1 ईयर है बिफोर द सेल, जिस दिन आपने सेल करा उससे पहले 1 साल, उसके 1 साल के अंदर, या जिस दिन आपने दोस्तों बेचा है उसके 2 साल के अंदर। और ध्यान रहे दोस्तों अगर आपने कोई फ्लैट ले लिया किसी बिल्डर से और फ्लैट आपका जो है अभी तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुई है,
तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन का जो टाइम लिमिट है 3 साल का, उसके अंदर आपको फ्लैट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए, यानी कि वो 3 साल के अंदर आपका काउंट होगा। ऐसा नहीं है कि आपका अभी फ्लैट बन रहा है, बिल्डर कहेगा जो जो आपको कंप्लीशन का जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो 3 साल के बाद मिलेगा, फिर आप इसका बेनिफिट लाइक सेक्शन 54 का नहीं ले सकते हो, फिर आपको पूरे 80 लाख के ऊपर जो 20% टैक्स बनेगा उस पर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। अब दोस्तों आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर मान लो कि अगर मैं प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाया या मैं नहीं बना पाया जो टाइम लिमिट दे रखी है इनकम टैक्स लॉ में सेक्शन 54 के हिसाब से, 1 साल 2 साल और 3 साल मैं नहीं कर पाया, तो क्या उसके बाद क्या कंडीशन है, यानी कि क्या फिर भी मैं टैक्स की एग्जम्पशन ले सकता हूं? दोस्तों बिल्कुल आप ले सकते हो। अगर आप इस टाइम के अंदर नहीं कर पाए तो आपको यहाँ पे एक चीज करनी पड़ेगी, वो क्या है कि आपको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम जो है, बेसिकली कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम जो है आपका अकाउंट है जो कि किसी भी एक पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ आज की डेट में ओपन हो जाता है, और उस कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर दोस्तों आपको जितना भी कैपिटल गेन हुआ है 80 लाख रुपए वो पूरा का पूरा डिपॉजिट करना पड़ेगा ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ योर इनकम। यानी कि जैसे हमारी फाइनेंशियल ईयर 23-24 चल रहा है, तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 की जो हमारी डेट है आईटीआर फाइल करने की वो कब होगी, 31 जुलाई 2024। तो 31 जुलाई 2024 से पहले पहले आपको अपना एक कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम खुलवा लेना है किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ, और वहां पे वो पूरा का पूरा जो कैपिटल गेन अमाउंट है वो आपको डिपॉजिट कर देना है। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि वो आपको जो डिपॉजिट करना है जैसे आपका सेल हुआ 80 लाख का प्रॉफिट हुआ तो अगले दिन जाके करा दो, आपके पास पूरा यहाँ पे टाइम दे रखा है गवर्नमेंट ने कि ड्यू डेट से पहले आपको करना है, यानी कि आप अपना जून में जाके या जुलाई में जाके डिसीजन ले सकते हो कि भाई क्या मुझे नई प्रॉपर्टी मैं खरीद सकता हूँ, क्या मुझे खरीदनी चाहिए, या फिर मैं कैपिटल गेन अकाउंट जाके खुलवा लूं गवर्नमेंट के साथ और उसमें अपना पैसा डिपॉजिट कर दूं। तो जिसके बेसिस पे भी आप सेक्शन 54 की एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो और उस पैसे को कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हो। आप उस पैसे को अगर चाहो तो शेयर्स में लगा सकते हो, बॉन्ड्स में लगा सकते हो, उस पैसे से आप कोई कुछ अगर खरीदना चाहते हो ज्वेलरी गोल्ड वगैरह कुछ भी परचेज कर सकते हो। लेकिन कंडीशन दोस्तों क्या है कि जब 31 जुलाई 2024 आए उससे पहले या तो कोई प्रॉपर्टी अगर आपने मन बना लिया कि भी मुझे प्रॉपर्टी खरीद लेनी है या बना लेनी है तो आप चालू करवा दो, अगर वो भी आपसे नहीं हो रहा है तो फिर आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम खुलवा के उसमें पैसा अपना डिपॉजिट कर दो। तो गाइस ये तो था सेक्शन 54 के बारे में जो मैंने बताया, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेच के रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदनी है यानी कि घर बेचो और घर खरीदो तो टैक्स आप बचा लोगे, कंडीशन मैंने आपको पूरी बता दी। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है सेक्शन 54EC जो कहता है, सेक्शन 54EC क्या कहता है कि अगर आपने कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची है और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी आपकी क्या है, लैंड है या फिर कोई बिल्डिंग है, दोनों इसमें दोस्तों आ रहे हैं, लैंड हो या फिर बिल्डिंग हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने कोई बेची है और उसको बेचने से आपको कुछ कैपिटल गेन होता है। एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने कोई भी बिल्डिंग बेच दी 1 करोड़ रुपए की और उसकी जो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी मान लेते हैं सेम 20 लाख रुपए, तो आपका कैपिटल गेन कितना हुआ, 80 लाख रुपए। तो अब ये 80 लाख रुपए आपको कहां इन्वेस्ट करने हैं सेक्शन 54EC के अंदर, सेक्शन 54EC कहता है लैंड बिल्डिंग बेचे तो आपको कहां इन्वेस्ट करने हैं, आपको बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने हैं गवर्नमेंट के जो बॉन्ड है। और दोस्तों वो बॉन्ड कौन से हैं, वो ये सारे बॉन्ड हो सकते हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हो मल्टीपल गवर्नमेंट के बॉन्ड है। अगर मैं एग्जांपल दूं तो NHAI का बॉन्ड, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक बॉन्ड है जो गवर्नमेंट का बॉन्ड है जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। अच्छा सर इसकी टाइम लिमिट क्या है, देखिए जब आपने प्रॉपर्टी बेची है उसके 6 महीने के अंदर आपको बॉन्ड में पैसा डालना है अगर आपको सेक्शन 54EC का बेनिफिट लेना है। ध्यान रहे जिस दिन आपने प्रॉपर्टी बेची उसके 6 महीने के अंदर आपको बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देना है। और दोस्तों इसकी एक मैक्सिमम कैप लिमिट दे रखी है कि आप मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक ही इन्वेस्ट कर सकते हो, पैसा डाल सकते हो 54EC के अंदर अगर आपको एग्जेम्पशन क्लेम करनी है। तो सेक्शन 54C सिंपल कहता है लैंड बिल्डिंग बेचो और बॉन्ड में पैसा लगा दो तो आपका जितना भी टैक्स बनेगा 80 लाख के ऊपर 20% वो पूरा का पूरा माफ कर देंगे, आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे ये बॉन्ड का जो लॉक इन पीरियड है वो 5 साल का है, यानी कि ये बॉन्ड आपको 5 साल तक नहीं बेचने हैं। अगर आप 5 साल से पहले इसको बेचने की कोशिश करते हो या बेच देते हो तो उस केस में जितना आपका पहले गवर्नमेंट ने टैक्स माफ किया था सेक्शन 54EC का बेनिफिट लेके वो दोबारा से आपको देना पड़ जाएगा। और दोस्तों अगर मैं सेक्शन 54 पे वापस आऊं जहां पे आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद के बेची थी तो वहां पे भी दोस्तों लॉक इन पीरियड था कि वहां पे आपको 3 साल तक वो जो नई प्रॉपर्टी आप खरीदोगे वो आपको बेचनी नहीं है। अगर आप उसको बेच देते हो तो अगेन जो गवर्नमेंट का यहाँ पे मोटिव क्या है कि भाई अगर अगर बात करें जैसे इंडिया के अंदर अपना घर खरीदना आज के टाइम पे बहुत मुश्किल है तो सरकार उन सबको बेनिफिट देना चाहती है। सरकार ये योजना जो लेके आई थी, सेक्शन लेके आई थी एग्जम्पशन का, बेसिकली इसलिए लेके आई थी कि आदमी अपना घर बेच रहा है तो चलो वो दूसरा घर ले ले उसको टैक्स का बेनिफिट दे देंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने कंडीशन क्या रख दी कि 3 साल तक उस घर को आपको नहीं बेचना है जहां पे नया घर आपने बनाया है या नया घर आपने खरीदा है,
3 साल के पहले भेज दोगे तो जितना आपका टैक्स पहले माफ किया था दोबारा से टैक्स लगा देंगे। तो ये सेक्शन 54 में एप्लीकेबल है। सेक्शन 54 ईसी में क्या कहता है कि बॉन्ड को नहीं बेचना है 5 साल। तो गाइस बात करते हैं तीसरे सेक्शन की, सेक्शन 54F, जिसके अंदर आप टैक्स का बेनिफिट ले सकते हो, एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हो कोई भी प्रॉपर्टी बेचकर। अब वो प्रॉपर्टी से सर मतलब क्या है आपका? प्रॉपर्टी से मेरा मतलब है कोई भी प्रॉपर्टी एक्सेप्ट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, घर या घर का कोई भी रेजिडेंशियल फ्लैट है आपका, आपका कोई घर है उसको छोड़कर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी हो। क्या क्या? शेयर्स आपने बेचे हैं, आपने म्यूचुअल फंड बेचे हैं, आपने गोल्ड बेचा है, आपने ज्वेलरी बेची है, आपने कमर्शियल प्लॉट बेचा है, आपने कमर्शियल लैंड बेचा है या आपने कमर्शियल बिल्डिंग बेची है। दोस्तों ये सारे के सारे सेक्शन 54F में कवर हो जाते हैं। इसलिए मैंने बोला कि आप जो है शेयर बेचकर भी, अगर आपके शेयर आपने बेचे, शेयर बेचने से आपको कोई प्रॉफिट हुआ, उस पैसे को आप नया घर खरीद लेते हो उस पैसे से, तो भी आप टैक्स बचा सकते हो सेक्शन 54 के आपके अंदर। देख रहे हो कई लोगों के मन में क्वेश्चन था कि सर कोई ऐसा तरीका बचाओ कि शेयर्स पे कोई मेरे को अगर कोई पैसा, मैं शेयर्स पे मेरे को कोई प्रॉफिट हुआ है, मेरे को कोई कैपिटल गेन हुआ है तो उसको मैं कैसे बचा सकता हूं? तो आप ऐसे बचा सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जो शेयर मार्केट में पैसा लगाता हो, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करता हो, FNO करता हो, इंट्राडे करता हो, या लॉन्ग टर्म में पैसा इन्वेस्ट करता हो या शॉर्ट टर्म में, उसके साथ जरूर ये वीडियो शेयर कर देना। क्योंकि एक तरीका है वो शेयर्स पे होने वाली इनकम को, प्रॉफिट को भी टैक्स फ्री करवा सकता है सेक्शन 54F के हिसाब से। अच्छा क्या क्या कंडीशन है उसके बारे में पहले समझ लेते हैं कि आप कोई भी इंडिविजुअल हो और कोई भी HUF हो तो आप सेक्शन 54F का बेनिफिट ले सकते हो, पहली बात तो ये। और दूसरा, आपके पास ये जो प्रॉपर्टी जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जो एसेट है, वो आपका क्या होना चाहिए? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होना चाहिए। देखिए शेयर्स और म्यूचुअल फंड के केस में आपके पास कितने, 12 महीने से ज्यादा आपके पास होने चाहिए, यानी कि आपने जब वो सेल करे हैं तो उससे पहले 12 महीने से पहले आपके पास थे वो। और अगर मैं कमर्शियल प्लॉट की बात करूं या कमर्शियल बिल्डिंग की बात करूं या गोल्ड ज्वेलरी की बात करूं तो वो आपके पास 24 महीने होने चाहिए। इसलिए उसका नाम हमने क्या दे दिया? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो इन सबको मैं एक कॉमन नाम देता हूं, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। आपके पास यानी कि वो 12 महीने 24 महीने से ज्यादा आपके पास था जब आपने वो एसेट बेचा, मूवेबल या फिर इमूवेबल, शेयर की फॉर्म में हो सकता है, कुछ भी वो फॉर्म में हो सकता है जिसके हम बात कर रहे हैं। अब गाइस कंडीशन की बात करते हैं सेक्शन 54 के अंदर कंडीशन क्या है। तो मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए। अब इसके अंदर आपको नया घर खरीदना है, तो यानी कि कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदनी है। दूसरा, आप जो है जिस दिन आपने वो सेल करी है, जिस दिन आपने वो एसेट अपना बेचा है उसके 1 साल पहले आपने खरीद लिया हो, या उसके बेचने से 2 साल के अंदर खरीद लिया हो, या फिर आपने 3 साल के अंदर नया घर बना लिया हो, तो उसके अंदर भी सेम कंडीशन जैसे हमारी सेक्शन 54 के अंदर मैंने बताई थी। टाइम लिमिट की अगर मैं बात करूं कितने टाइम में आपको नया घर खरीद लेना है या बना लेना है, तो आप सेक्शन 54F का बेनिफिट ले सकते हो। तो दोस्तों मैंने पूरे वीडियो में आपको बता दिया 3 ऐसे तरीके कि आप कोई भी प्रॉपर्टी बेचते हो तो आप अपना टैक्स बचा सकते हो। वाक्य में जितना भी आपको करोड़ों रुपए का प्रॉफिट हो रहा हो सारा का सारा जीरो हो सकता है अगर आप इसको तरीके से फॉलो करते हैं, किसी प्रोफेशनल वे में फॉलो करते हैं, किसी प्रोफेशनल की हेल्प से फॉलो करते हैं, क्योंकि आप खुद टेक्निकल चीजों में फंस सकते हैं। तो अगर आपको कुछ भी कंसल्टेंसी चाहिए हमारी टीम से तो नीचे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद होगी और इस वीडियो में अगर आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन दिया है तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए दोस्तों लाल बटन जरूर दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो आपके लिए अच्छी अच्छी लाते रहे। थैंक यू।